नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। विगत दिनों लटेरी तहसील के ग्राम मुरवास में सरपंच पति संतराम वाल्मीकि के साथ ही हुई घटना के बाद से ही असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर गाली दी गई, साथ ही दबाव बनाए जाने व पुलिस प्रशासन को भी गंदी गंदी गालियां देने वालों पर शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की मांग मुस्लिम महासभा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के माध्यम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर ठोस कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में मुस्लिम महासभा ने बताया कि घटना के बाद ग्राम मुरवास थाने के बाहर विधायक उमाकांत शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने उक्त घटना के विरोध में चक्का जाम किया। विधायक उमाकांत शर्मा की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन को गंदी गंदी नंगी गालियां दी गई, साथ ही संपूर्ण मुस्लिम समाज को टारगेट करके काटने पीटने के नारे खुलेआम पुलिस के मौजूदगी में लगाई गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें नारे लगाने एवं गालियां बकने वाले लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे समाज में काफी रोष व्याप्त है। साथ ही इस तरह समाज में अशांति फैलाने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई शीघ्र की जाना अति आवश्यक है, ताकि समाज में शांति बनी रहे, अन्यथा यह लोग समाज में कभी भी माहौल खराब कर सकते हैं। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट शोएब खान के साथ सुभान मंसूरी, डॉक्टर वसीम सबूगौरी, कारी हाफिज खान, अकबर खान, अनवर खान, जफर खान, फैज अहमद, इरशाद गौरी सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। सर, ये मुरवास में घटना हुई है, वो जो प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगाए हैं और मुस्लिम समाज के खिलाफ भी, इन लोगों पे क्या कार्रवाई की गई है? अभी दो तीन अलग अलग घटनाएं हैं। एक सबसे पहले जो मर्डर हुआ था, उसके सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उसके साथ ही कुछ नारेबाजी का जो एक सिलसिला वीडियो के माध्यम से जारी किया जा रहा है, उसके बारे में आज ही ज्ञापन किया है, ड्राफ्ट हुआ है मुझे, और उस पर भी जांच ऑर्डर कर दी गई है, कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त कल एक पत्थरबाजी घटना हो गई थी, जिसमें FIR कैद की गई है और उनकी गिरफ्तारी जारी है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि कर्फ्यू का ऑर्डर अभी लागू है, मुरवास क्षेत्र में पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से अभी स्थिति पूर्णतः सामान्य ही है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर हम कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं। तो वहाँ मूवमेंट पे हमारा जो भी रिस्ट्रिक्शन दिया गया प्रशासन आदेश द्वारा, उसको हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसका सख्ती से पालन किया जाए। सर, गोली वगैरह भी चली है कल? अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं आया है, ऐसा रिपोर्ट आई जरूर थी, लेकिन अभी इसका कोई सिद्धि का कोई प्रमाण भी सामने नहीं आया। सर, आगजनी किसके द्वारा की गई है? सर, वहाँ पर आगजनी की घटना सामने आई? घटना थी, सबसे पहले कोई मकान या अन्य डैमेज नहीं हुए हैं, जो मात्र खेत के पास जो बाउंड्री वाल रहती है वहाँ आग लगाई गई थी। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि उसमें किसका हाथ था, या फिर वो डिलिबरेट था। कई बार वो आम तरह से साफ करने के लिए भी कई बार वो लगाया जाता है जी। उसमें कोई अभी फसल का या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं आया है सर जी। और कल की घटना में बताना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति इंजर नहीं हुआ है, मतलब कोई प्रॉपर्टी डैमेज या पर्सनल डैमेज भी नहीं हुआ है। सर, हालात ख़राब ना हो, इसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस यही संदेश देना चाहेंगे कि सब संयम बना के रखें, स्थिति पूर्णतः अभी कंट्रोल में है। साथ ही साथ जो मुहिम की जा रही है पूर्णतः वैधानिक है और उसका सपोर्ट रहे, और जो भी शिकवा शिकायत है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन मैं पब्लिक को देना चाहूँगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब खान, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष मुस्लिम महासभा। किस संबंध में ज्ञापन दिया है? 18 तारीख को मुरवास के अंदर जो घटना घटी थी संतराम के साथ एक्सीडेंट वाली, उसको जो सांप्रदायिक रूप दिया गया, यहाँ के विधायक जो उमाकांत शर्मा है, उन्होंने और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों द्वारा, और वहाँ पर जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ मुसलमानों को के अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों से ज़मीन छीनी जा रही है, बाकी एक ही वर्ग विशेष के लोगों के साथ ये किया जा रहा है। उसके अलावा कल शाम 6 बजे करीब प्रदेश के बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आके वहाँ पर मौके पर कुछ घरों में आग लगाई और गोली चलाई, जिसकी वजह से जो है आज ज्ञापन देना पड़ा। और उसमें उल्टा ये हुआ कि वहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों पर कार्रवाई हुई, 20 लोगों को पुलिस ने बंद कर लिया। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो लोग कल आए थे
उनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और 18 तारीख को उमाकांत जी के नेतृत्व में विविध हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने जो प्रशासन को पुलिस को गंदी गंदी गालियां दी और मुस्लिम समाज को काट के फेंकने का जो धमकी दी सांप्रदायिक उन्माद फैला, इससे लोग वातावरण सिरोंज लटरी का खराब हुआ है। इससे ताकि इन लोग के खिलाफ कार्रवाई हो, आगे कोई कार्रवाई नहीं करें। अगर इस तरह की कार्रवाई ये करेंगे तो हम लोगों को भी अपने बड़ों से पूछ के मजबूरन जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। आज दिनांक 18 मार्च को मुरवास के अंदर एक संतराम वाल्मीकि जो सरपंच पति थे उनकी किसी दुर्घटना में हत्या का नाम देके उसमें जो माहौल चल रहा है उसके संबंध में आज एसडीएम को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। कुछ क्या मांग दी है आपने एसडीएम को? हाँ, उसमें सीडी बनाई है हमने। वैसे तो क्या साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो घटना हुई थी उसी दिन से वो वीडियो इतनी वायरल हुई है कि जिले से बाहर भी जो है कि जा चुकी है, और वो वीडियो को देख के अगर प्रशासन चाहता तो कार्रवाई कर सकता था, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उसके खिलाफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी, इसलिए हमें मजबूरन आज ज्ञापन देना पड़ा। किन को लेकर मांग करी है आपने? आज हमने, चूंकि उसकी हत्या हुई है, इसका हमें पूरे मुस्लिम समाज इसका अफसोस करता है कि उसका जो एक्सीडेंटल रूप हुआ और उसके बाद उसको हत्या का रूप दे दिया गया, उससे दुख भी है और कहीं ना कहीं बहुत अफसोस है कि प्रशासन ने वहाँ पे कार्रवाई कर रहा था। प्रशासन जब जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ फौरन उसने जाके जो आरोपी है उमर रिजवान कहते हैं उससे वो उसने ट्रैक्टर ले जाके थाने के अंदर भी रख दिया और वह अपने आप को पेश कर दिया। लेकिन एकाएक हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय के नेतृत्व में यहाँ के सैकड़ों की तादाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हम उरवास में थाने के बाहर गए और धरने पे बैठ गए और भी आरोपियों को बढ़ाने की मांग करते रहे, जिसका के प्रशासन ने सुना भी और आरोपी बढ़े भी गए, और लेकिन रात में ही वो आरोपियों को सारों को अरेस्ट कर लिया गया और पेश कर दिया गया, किसी को पेश कर दिया गया, कोई अरेस्ट हो गया और वो घटना वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए थी, लेकिन वो घटना ख़त्म नहीं हुई और वहाँ पर मुस्तकिल अनर्गल नारेबाजी, पुलिस प्रशासन को भद्दी भद्दी गालियाँ, ये सब आप लोगों ने वीडियो में सुनी होंगी, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। वो मुस्लिम समाज को गंदी गंदी गालियाँ दी गई जो कि उन कार्यकर्ताओं को द्वारा दी गई जो इस सीडी के अंदर मौजूद है। क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन क्या, कलेक्टर साहब से बात हुई है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन चूंकि हम संतुष्ट नहीं है, अभी तक निष्पक्षता कुछ दिखी नहीं है। उसमें कल देखा गया कि बहुत सारे उसकी आयादत के लिए, इसमें कहते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ बजरंग दल कार्यकर्ता गए थे। पहली बात तो वहाँ धारा 144 लगी है, वो 3-4 गाड़ियों को जाने की परमिशन कैसे दी प्रशासन ने, सवाल इस बात पर उठता है। 3-5 गाड़ियाँ बाहर की और वो भी उसके वाल्मीकि के घर पे गई है और धारा 144 लगी हुई है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। जाने के बाद वहाँ पे वो देखते हैं और वापसी में कुछ लोग खड़े होते हैं तो वो फायरिंग कर देते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों ने भी को उकसाया गया, तो जाहिर बात है उन्होंने भी कुछ पत्थरबाजी करी होगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उनके ऊपर उनको रात को 2:30 बजे बंद कर लिया गया 15-20 सड़कों को, और अभी सुबह भी उठाया गया और फिर कर्फ्यू लगा दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण है। हमारा कहना है कि कार्रवाई हो तो दोनों पक्ष हो, अगर मकान टूटे हैं तो विश्वकर्मा का मकान है तो उसका भी टूटा जाए, किसी खान का मकान है तो उसका भी टूटा जाए। अतिक्रमण के हम बिल्कुल खिलाफ है, चाहे वो कब्रस्तान पे हो क्या वन भूमि पे हो, कहीं पर भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। अगर अतिक्रमण है तो उसका हमने कोई साथ नहीं दिया, इतने दिन से हमने कोई बात नहीं करी, लेकिन जब कल रात से सारी चीजें हुई हैं उसके बाद उन्हें हुआ है, आगजनी भी हुई है, जो लोग वहाँ पे हमारे मदद कर रहे थे, जो लोग मदद कर रहे थे बार बार, उनको टारगेट बना के लिया गया और उनसे हमारी बात चल रही है। अब देखिए प्रशासन क्या कर रहा है, हम चाहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई हो रही है तो सारे लोगों पे कार्रवाई हो जो बिल्कुल अतिक्रमण में है, जो गलत कर रहा है, क्या है वो किसी भी समाज के। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे इसके लिए प्लानिंग करेंगे, मशवरा करेंगे हमारे बड़ों से, जैसा भी मशवरा होगा उग्र आंदोलन करेंगे जैसे भी, लेकिन सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, इसमें पीछे नहीं हटेंगे। दिनांक 21 मार्च 2021 को ग्राम मुरवास में हुई घटना के दोषियों पर कार्रवाई करने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय लेख है कि विगत दिनों लटेरी तहसील के ग्राम मुरवास में सरपंच पति संतराम वाल्मीकि के साथ हुई घटना के बाद से ही असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर गाली दी जा रही है, साथ ही अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को भी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, परंतु अब तक संबंधित असामाजिक तत्वों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कि ग्राम मुरवास में व्यक्तिगत रंजिश के चलते सरपंच पति संतराम के साथ हुई घटना को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना को हत्या के रूप में दिया जा रहा है, ग्राम मुरवास का माहौल खराब किया जा रहा है। उक्त घटना जिससे संतराम की मृत्यु हो गई है अत्यंत दुखद है, भारी घटना है जिसका हमारे संपूर्ण समाज को दुख है। उक्त घटना के बाद ग्राम मुरवास थाने के बाहर विधायक उमाकांत शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने उक्त घटना के विरोध में चक्काजाम किया, जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं, रिंकू सुमन आदि
जो सिरोंज निवासी हैं उनके द्वारा कई कार्यकर्ताओं के साथ विधायक उमाकांत शर्मा की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन को गंदी गंदी नंगी गालियां दी गईं। संपूर्ण मुस्लिम समाज को टारगेट करके काटने पीटने के नारे खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसमें नारे लगाने एवं गालियां बकने वाले लोग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। परंतु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। साथ ही इस तरह के समाज में अशांति फैलाने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई शीघ्र की जाना अति आवश्यक है, ताकि समाज में शांति बनी रहे। अंततः ये लोग समाज में कभी भी माहौल खराब कर सकते हैं। ये कि इसी काम को दिनांक 21 मार्च को ग्राम मुरवास में प्रशासन द्वारा अतिक्रम हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, परंतु संतराम को सिद्धांत देने का बहाना कर उक्त कार्रवाई में पहुंचे विहिपिक के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने शासकीय कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप करते हुए अपनी ध्वज दिखाते हुए अनावश्यक टिप्पणी मुस्लिम समाज के लोगों पर की, जो कि उचित नहीं थी, क्योंकि प्रशासन अपनी कार्रवाई निरंतर कर रहा था। श्रीमान इन लोगों का वहां जाकर कार्रवाई के दौरान अनावश्यक टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं था। इस तरह बाहरी संगठनों के लोग मुरवास पहुँच कर वहाँ